इसमान शाहिद और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑडियोनिक क्लासिक 7 का रिव्यू। सो इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या इसकी स्पेशलिटी है और क्या इसकी साउंड क्वालिटी है। और अनबॉक्सिंग आपको पता है कि मैं नहीं करता। इसके साथ आपको मिलता है रिमोट, ऑक्स केबल, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और बस। तो और इसका म्यूजिक सेक्शन शुरू करते हैं। म्यूजिक के बारे में बताता हूँ कि इसकी हाई नोट और लो नोट पे कैसा साउंड क्वालिटी ये देता है। और अगर आपको म्यूजिक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, 15 लेना चाहते हैं, 15,000 आपके पास है, अंडर 15 आप कोई होम थिएटर या इस तरह का कोई वूफर्स लेना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आप ये ले सकते हैं। सो म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और देन बाकी बात बताता हूँ। तो म्यूजिक सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लासिक 7 अब मिलता नहीं है किसी को भी वैसे, तो ये बड़े मुश्किल से जो मेरे मुझे स्पॉन्सर करते हैं द पीसी सॉल्यूशन, तो उनको मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे ये पहले तो ये कहा कि हम ट्राई करेंगे, लेकिन बाद में उनके CEO ने मुझे कहा कि बिल्कुल हम आपको देंगे। और उन्होंने काफ़ी मेहनत से कहीं से मतलब ये एक किस्म का समय पैदा करके दिया है मुझे। तो अगर आपको क्लासिक 7 चाहिए, बहुत ही एक रेयर मॉडल है जो कि मार्केट में अब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो इस मॉडल की डिमांड इतनी थी कि ये जब आया तब तो एकदम से शॉर्ट हो गया। जब अगेन नेक्स्ट ईयर आया लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया और वो था क्लासिक 7.7। तो 7 तो अब मिलना बहुत ही मुश्किल है, किसी को चाहिए तो लिंक में उनका डिस्क्रिप्शन में द पीसी सॉल्यूशन लिंक है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो 7.7 के बारे में बताऊंगा, लेकिन 7 की जो ये बात है बिल्कुल एक बात सच है कि 7.7 की बेस और कुछ चीज़ें इससे काफ़ी हाई हैं, लेकिन जो साउंड की क्लैरिटी है और जो एक दिल को एक छूती है आवाज़, मतलब जो क्लैरिटी और उसकी सब चीज़ें जो इक्वालिटी है वो क्लासिक 7 में है, ना कि 7.7 में। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसके डिज़ाइन की जो एक खासियत है क्लासिक 7.7 में ये है कि उसके यहाँ पे जो गोल स्क्रॉल टाइप एक चीज़ बनी है, उधर अगर कोई बच्चा या कोई भी बड़ा भी अगर उसको हाथ से दबा दे तो वो अंदर दबी रह जाएगी और ना कि वो वापस निकलेगी। और इसके डिज़ाइन की ये खासियत है कि इसमें वो चीज़ है ही नहीं, ये बिल्कुल ईजी सा है ना, आप हाथ भी मार दे तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें एक ये चीज़ ख़राब मुझे लगी है। और डिज़ाइन वाइज दोनों सेम ही है, लेकिन उसका जो स्पीकर के ऊपर क्रॉक जिधर इसका लिखा है वहाँ पर इसका थोड़ा सा चेंजिंग है, और जो कि मतलब हाथ लगने की देर है और उसने अंदर हो जाना। तो म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं और देन बाकी बात करते हैं। तो म्यूजिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हेडफोन लगा ले ताकि आपको क्लैरिटी इसकी और साउंड सही समझ आए और वॉल्यूम वगैरह फुल है। और जब भी इस मॉडल को आप चेक करें, लाउड ऑन कर लें, उसके बाद बेस वगैरह सब कुछ सेट करें, मेरा बिल्कुल सेट है सब कुछ और सब कुछ ओपन मतलब फुल है। और मोबाइल से मैं वॉल्यूम कंट्रोल करूँगा और देन बाकी बात करते हैं और म्यूजिक मैं चलाने लगा। तो म्यूजिक तो ये अभी मैंने ऐसे ही चलाया है, तो रियल म्यूजिक तो आप मैं चलाता हूँ। तो सॉन्ग चेंज करते हैं, ये तो एक था कि हाई नोट पे मैंने इसे चला के बताया और
साउंड आपको पता लगे क्या होगा, तो चेंज करता हूँ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू।